वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम आज जानेंगे अदर और अनदर का यूज़, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो ठीक है, मैं हूँ अनिल कुमार, आप देख रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी लर्निंग स्पीकिंग कन्वर्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जानते हैं अदर और अनदर में डिफरेंसेस क्या है, मतलब कि इनका प्रयोग अलग क्यों होता है। The words other and another are both used in different contexts. They have different meanings. अर्थात other and another दोनों का प्रयोग अलग संदर्भ में किया जाता है, दोनों का अर्थ अलग होता है। देखिए, first another. Another is used when we talk about a single object and thing. अर्थात अनदर, जब हम एक ऑब्जेक्ट या एक वस्तु के बारे में बात करते हैं तब हम अनदर का यूज करते हैं, मतलब सिंगल वस्तु या सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने पर अनदर का यूज होता है। एग्जाम्पल है, आई विल बाय अनदर बाइक दिस ईयर, मैं इस साल एक और बाइक खरीदूंगा, या आप कह सकते हैं एक अन्य बाइक खरीदूंगा। ठीक है, देखिए, दिस मैंगो इज बैड, गिव मी अनदर वन, यह आम खराब है, मुझे दूसरा दे दो। तो यहां पर यह आप कह सकते हैं मुझे एक अन्य दे दो, एक तो खराब उसके पास है ही और दूसरा वो मांग रहा है। ओके, तो यहां पर सिंगल ऑब्जेक्ट या थिंग के बारे में बात हो रही है। अब देखिए अदर का फर्स्ट यूज, अदर इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट मैनी ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव। अर्थात जब हम कई वस्तुओं या चीजों के बारे में बात करते हैं तो अदर का उपयोग किया जाता है, जो हमारे पास है उससे भिन्न के लिए, मतलब कि जो हमारे पास है उससे अलग चीज के लिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी सम अदर मैंगोज, क्या आप मुझे कुछ और आम दे सकते हैं। तो यहां पर अदर का यूज हुआ है क्योंकि ये प्लूरल भी है मैंगोज, तो जैसे कि मैनी ऑब्जेक्ट्स मैनी थिंग्स, ठीक है, कई वस्तुओं या चीजों के लिए। और दूसरी बात ये है यहाँ पर, कैन यू गिव मी सम अदर मैंगोज, क्या आप मुझे कुछ और आम दे सकते हैं। तो उसके पास पहले से चाहे आम है, इस वाक्य से पता चल रहा है कि उसके पास पहले से आम है, लेकिन वो बता नहीं रहा है कि वो आम खराब है कि क्या है, वो सिर्फ और आम चाहता है। ठीक है, तो आप सीधा इसमें ध्यान दीजिए कि मैनी ऑब्जेक्ट और मैनी थिंग्स के साथ, मतलब प्लूरल एक तरह से। अदर टीचर्स आर नॉट एज गुड एज हिम, अन्य शिक्षक उसके जैसे अच्छे नहीं है, मतलब कि यहां टीचर्स की बात हो रही है, तो हमने अदर का यूज किया क्योंकि प्लूरल है। देखिए अब सेकंड यूज अदर और अनदर का, अदर स्पीक्स ऑफ समथिंग विच इज डिफरेंट, कुछ अलग के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कुछ अलग चीज के लिए। अनदर स्पीक्स ऑफ समथिंग एडिशनल और एक्स्ट्रा, मतलब कि कुछ हमारे पास है और एक और जोड़ने के लिए, कुछ ज्यादा जोड़ने के लिए, ठीक है, एक और ज्यादा लेने के लिए, इस तरीके से भी यूज करते हैं सिंगल थिंग में। ठीक है, अनदर का यूज होता है। एग्जाम्पल है, अनदर डे वी विल वॉच अदर मूवीज दैट यू लाइक, एक और दिन हम आपकी पसंद की अन्य फिल्में देखेंगे। तो एक और दिन, ठीक है, या एक अन्य दिन, तो हमने अनदर का यूज किया है क्योंकि एक दिन, और हमने मूवीज के लिए अदर का यूज किया है
फिल्में। आपको क्लियर हो रहा है? देखिए, अनदर टीचर कैम एंड आस्क मी टू नो सम अदर चैप्टर्स। हमने टीचर सिंगुलर है तो इसलिए हमने अनदर का यूज किया। एक और शिक्षक आया और मुझसे कुछ अन्य अध्यायों को जानने के लिए कहा, और यहाँ पर चैप्टर्स है, उससे पहले हमने अदर का यूज किया है। ओके, मैं अभी आपको क्लियर भी करूंगा, दोनों में दोनों का यूज करके दिखाऊंगा। नाउ ब्रिंग मी अनदर कप ऑफ टी एंड सम अदर थिंग्स टू ईट। अब मुझे एक और प्याला चाय और कुछ अन्य चीजें खाने के लिए लाएं। तो हमने यहाँ कप ऑफ टी के लिए, जो कि सिंगुलर है, उसके लिए अनदर का यूज किया, और थिंग्स खाने के लिए कुछ चीजें, उसके लिए हमने अदर का यूज किया, क्योंकि थिंग्स कई चीजें। ठीक है, अनदर अ ग्रुप और अ कलेक्शन। एक कलेक्शन और ग्रुप के लिए भी अनदर का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ सिंगल थिंग्स और ऑब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन अगर एक ग्रुप है और एक कलेक्शन है तो उसके लिए भी हम अनदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, आई नीड अनदर 6 बोतल ऑफ मिल्क। मुझे और 6 बोतल दूध चाहिए। ठीक है, हमने पूरा ग्रुप बना दिया 6 बोतल, तो उसके लिए हमने अनादर का यूज किया है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। वी लाइक गेट अनादर कप ऑफ कॉफी। क्या मुझे एक और कप कॉफी मिलेगी, या कोई एक अन्य कॉफी मिलेगी, कप कॉफी मिलेगी। ठीक है, आई नीड सम रेस्ट, आई विल गो सम अदर डे। मुझे थोड़ा आराम चाहिए, मैं किसी और दिन जाऊंगा। यहां पर हमने सम का यूज किया है, इसलिए अदर का यूज किया, किसी और दिन। यू वॉन्ट हैव अनदर डे लाइक दिस। आपके पास इस तरह एक और दिन नहीं होगा। लाइक दिस मतलब इस दिन की तरह, मतलब एक दिन की बात हो रही है, इसलिए हमने अनादर का यूज किया यहां पर। आई वॉन्ट टू डू अदर थिंग्स एज वेल, लेट्स गो स्विमिंग। मैं अन्य चीजों को भी करना चाहता हूं, जैसे कि तैरने के लिए चलो। थिंग्स की बात हो रही है, अदर का यूज किया। वी विल कैच फिश ऑन द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड। हम तालाब की दूसरी तरफ मछली पकड़ेंगे। कैन यू गिव मी अनदर पैन। क्या आप मुझे एक और पैन दे सकते हैं, मतलब एक, या कह सकते हैं आप एक अन्य पैन दे सकते हैं। दिस प्लेस इज यूनिक, यू विल नॉट फाइंड अनदर प्लेस लाइक दिस इन दिस इन द सिटी। यह जगह अद्वितीय है, आपको इस जैसा शहर में कोई दूसरा स्थान नहीं मिलेगा। आई डोंट थिंक सो, सम अदर प्लेसेस आर बेटर देन दिस। मुझे ऐसा नहीं लगता, कुछ अन्य जगहें इससे बेहतर है। शो मी अनदर बैग, मुझे एक अन्य बैग दिखाओ, या एक और बैग दिखाओ। देखिए यहां पर क्लियर करने के लिए, आई हैव अदर बिजनेस।
मेरे पास अन्य व्यवसाय हैं। आई हैव अनदर बिजनेस। मेरे पास एक और व्यवसाय है या एक अन्य व्यवसाय है। एक, ठीक है। वी नीड अनदर प्लान। हमें एक और योजना की आवश्यकता है। वी नीड अदर प्लान्स। हमें अन्य योजनाओं की आवश्यकता है। तो क्लियर हो गया आपको? एक चीज और भी ध्यान में रखने के लिए ये याद कर लीजिए, एंड अदर। तो जब हम इसे, वैसे तो इसे इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, लेकिन इसका मतलब सेम यही होता है, एन अदर। ओके, हम इसे लिखते हैं इस प्रकार से, एन अदर। तो आप समझ गए, सिंगुलर है। ओके ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग अदर और अनदर के यूज को समझ गए हैं और आप लोग अब इसका उपयोग कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें, और कन्फ्यूजन नहीं भी है तो भी कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।